और आज हम अनंतनाग में एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने एसटी स्टेटस को लेकर, अपने एसटी दर्जा को लेकर, अपने हकूक का तहफ्फुज के लिए ये प्रोटेस्ट हमने आज निकाला गया है। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में मुख्तलिफ जगहों पर हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसी उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि हमारे जो हमारे हिंदुस्तान के हमारे भारत के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, गृह मंत्री साहब हैं, उन्होंने यहाँ आकर राजौरी में बैठकर उन्होंने कहा था कि इस कम्युनिटी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, इनके हकों के साथ छेड़खानी नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी हुकूमत से गुजारिश भी करती हूँ कि इन लोगों के साथ इनजस्टिस ना किया जाए, इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनके साथ जस्टिस किया जाए। 70 साल से जो पार्टियाँ जो लीडरान इनके साथ इनजस्टिस करते आ रहे थे, अब आप ऐसा ना करें। आपसे बड़ी इन लोगों की उम्मीदें जगी थी कि ऐसा नहीं होगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये लोग कतई किसी को माफ़ नहीं करेंगे, चाहे कोई भी वो पार्टी हो हिंदुस्तान की, जम्मू कश्मीर की, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा पार्टियों को साथ दिया है, पार्टी को स्ट्रांग किया है और पार्टियों को कुर्सियों तक पहुंचाया है। लीडरान को उनकी कुर्सियां दिलवाई हैं, जिस तरह से ये कुर्सियों तक बिठा सकते हैं, वोट दे के इलेक्शन में हिस्सा लेके उस तरह से गिरा भी सकते हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ अपनी हुकूमत से कि इन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान की रक्षा की है, इन्होंने हिंदुस्तान को हमेशा संभाले रखा है। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक इन लोगों ने अपनी जानों का नजराना दिया है और अपने हक के लिए आज ये निकले हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे जब तक ये कातिलाना फैसला वापस नहीं लेंगे। हमारी हुकूमत, हमारे नौजवान, हमारी औरतें, हमारे बुजुर्ग माल मवेशी को लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बाहर निकलेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी। एसटी का पैदल मार्च था यहाँ से कश्मीर से लेकर पुरुष तक और राजौरी तक किया हुआ था, और उस वक्त हमारे जो लीडर वहाँ दिल्ली में गए थे, उनको उस वक्त वहाँ पे कहा गया कि आपकी जो एसटी है इस कोटा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। बदकिस्मती से आज ये कुछ दिन गुजरे कि पार्लियामेंट में वो बिल जा पहुँचा है कि पहाड़ी लोगों को जो मल सैद जात के हैं, गुप्ता जात के हैं, जो मलिक जात के हैं, जो बुखारी जात के हैं, उनको इस हमारे एस टी जुमले में लाया जा रहा है। हम उसी लिए आज रोडों पे मजबूर हो गया, रोडों पे निकलने के लिए कि मजलूम कौम के साथ ये बहुत ही बीजेपी सरकार नाइंसाफी कर रही है, उसी के खिलाफ हम आज धरने पे हैं। आज 7-8 दिन से पुलिस में आप देखिए, जम्मू में देखिए, रियासी में देखिए, माहौर में देखिए, हर जगह पुलिस जगह कुपवाड़ा गुरेज करना में भी हमारे गुजर लोग जो है जो माल मवेशी पाल कर अपना गुजारा करते हैं, तो उनके साथ